सब कुछ दिखाएंगे आपको, तो चलो आप एक नंबर। भाई लाल बाग का राजा देख के ना, इतने खतरनाक हाथ पे मेरे पूरे बहुत सही में भी। क्या कह रहे 5,000 का तो खर्च कर दिया तो देख सकते हो कितनी शॉपिंग की हमने। तो यहाँ पर हमने पाव भाजी मंगाई है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्रिकेट नॉलेज। तो हमारा वाला रोहन, तो रोहन और हम मुंबई को जाने वाले हैं लालबाग का राजा दिखने के लिए। तो मुंबई के कौन से बड़े गणपति, मतलब अच्छे अच्छे, लालबाग का राजा हो गया और भी दो तीन गणपति, मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे गणपति है, तो वो सब कुछ दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है और कुछ शॉपिंग भी करने वाले, तो सब कुछ क्लियर करेंगे आज के ब्लॉग में हम। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। जो भी चैनल पर है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग आप सब्सक्राइब नहीं करते, रोहन बताओ सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो सबकी। तो चलो अभी ट्रेन में जाने वाले, मतलब स्टेशन पर ही अभी हम देख लो स्टेशन पर। तो गाइस ये हमारा नासिक रोड रेलवे स्टेशन, तो देख सकते हो रोहन भाई। ट्रूथ और डेयर, डेयर में चूज करने का, चल डेयर दे मुझे। जा नीचे जाके ऊपर पाव फसा, ऐसा नकली नहीं असली। बोल किसी लड़की को प्रपोज करने का? नहीं इधर कोई लड़की नहीं, इधर गैंग बैठी, इनको कर प्रपोज इधर ये वाले गैंग को। तो रोहन कितना टाइम है ट्रेन को? आएगी गाइस आएगी। कितना कितना ट्रेन ने सिग्नल तो दिया, आ गए आ गए आ गए। देखो ट्रेन आ रही, देखो सामने से रोहन भाई, चलो चलो मुंबई। तो मम्मी ने स्नैक्स दिए थे खाने के लिए, तो रोहन हम अभी खाएंगे। तो रोहन भाई आपको जगह मिल गई, कैसे लग रहा है आपको? बहुत सुकून मिल रहा है गाइस, कार का तो यूं रहा है, जगह मिल गई आपको। अच्छा हुआ, तो अभी नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है वहाँ पर आपको मिलेंगे, अभी देखते हैं क्या होने वाला क्या नहीं। भाई आपने अपने बंदे सारे लोग कैसे भाई लोग? अरे बोलो बोलो, अरे बोलो पब्लिक का क्लास था एकदम। तो सब भाई लोग मतलब सारे फ्रेंड्स मिल गए। तो गाइस दादर पे पहुंच गए हम, तो देख सकते हो दादर स्टेशन आ गए हमारे, अभी यहाँ से जाते हैं। तो पहुंच गए चिंचपोकली स्टेशन पे हम, रोहन मुंबई कम टू मुंबई। तो मुंबई पे आ गए हम चिंचपोकली स्टेशन पे, अभी यहाँ से देखेंगे कैसे जाएंगे लालबाग के राजा के वहाँ पर, तो अभी देखते हैं तो कैसे जाने वाले, सब कुछ दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहना। तो चिंचपोकली स्टेशन से यहाँ से आए हम, तो ये ब्रिज लगा हमको, तो इस ब्रिज से हमें सीधा जाना है उस तरफ। तो गाइस फाइनली अभी मैं फ्रेश हो गया, अभी मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ। मैं तो ट्रेन में इतनी हालत खराब कर दी मेरी कि मुझे बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था। हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए, अच्छा खासा सो गए थे, फिर से वो दादर जल्दी आ गया, मैं थोड़ा लेट आया था, रात से नींद होती थी और रात से घूमते थे, और अभी कुछ नहीं, चलो देखते जाके लालबाग का राजा सामने ही है। फाइनली आ गए सामने ही है, देख सकते हो सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे, चलो आपको दिखाते आगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ तीन जाने का हमें, देखो लालबाग का राजा सामने, चलो आपको लालबाग का राजा दिखाते। तो गाइज बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, एक बार देख लेना आप। डेकोरेशन देख सकते हो भाई साहब, एक नंबर, बहुत ज्यादा भीड़ है रोहन भाई। अरे हवा टाइट हो गई रोहन भाई की, हवा टाइट हो गई, भीड़ देख सकते हो। तो सामने देख सकते हो मोशक भाई अपने। तो हम आगे देख सकते हो, अभी फाइनली आ गए हम, तो सामने देख सकते हो। फाइनली गाइस दर्शन करके आ गए हम, कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया, एक नंबर मजा आया। पेड़ थम थम, यहाँ पर पेड़ लेने के लिए रुके हम, एक से उसका 250 ग्राम कम करो भाई, थोड़ा कुछ कम करो कुछ। चिंच पोकली का चिंतामणि, तो वो देखने के लिए एक राजा का दर्शन हो गया, अभी दूसरे राजा के पास जाते हैं। सारे गणपति बप्पा बहुत बहुत अच्छे अच्छे, जितने भी हमने देखे छोटे से लेके बड़े तक देखे ना, सब कुछ एकदम बढ़िया है।
भाई लाल बाग का राजा देख के ना इतने खतरनाक हाथ पे मेरे पूरे बहुत सही बॉडी में भी देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत खतरनाक वाली भीड़ है। तो फाइनली चिंतामणि का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोहन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने गणपति के चरण में जाके दर्शन कर लिए। इस बार उनको राजा में वहाँ पे नहीं मिला, इस बार मिल गया हमें तो उनके, हमने जाके पैर छुए गणपति बापा के, बहुत सही लगा। मतलब दोनों भी गणपति इतने सही थे ना, क्या बात हो। तो अभी देखते हैं क्या करने वाले, तो पहले शॉपिंग करनी हमको, तो अभी देखते हैं क्या जाते क्या नहीं, तो सब कुछ दिखाऊंगा। तो CSMT पे अभी आ गए, देख सकते हो भाई लोग बहुत सही है। रोहन तो क्या CSMT पे आ गए, अभी चलो आपको बाहर दिखा दे हमारी ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा घड़ी। तो आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, फैन देखो किस किस के घर में ऐसे फैन लगा, नहीं मुझे जल्दी बताओ। फैन देख सकते हो कितने बड़े बड़े भाई, एक नंबर। तो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं। तो रोहन अभी हमको जाना है फाउंटेन मार्केट, तो फाउंटेन मार्केट जाके शॉपिंग करेंगे कुछ, देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं। तो रोहन को मुझे तो जीन्स लेनी है, तो जीन्स क्या देखते हैं कैसी जीन्स है कैसी नहीं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलो, तो गाइस देख सकते हो बारिश शुरू हो गई यहाँ पर, तो बारिश की वजह से हमें ना अभी मतलब हमारा शॉपिंग का प्लान कैंसिल हो गया, मतलब जाने वाले पर बाद में जाने वाले, तो अभी पहले मरीन पे जाएंगे और फिर शॉपिंग पे जाएंगे। अभी देखो जो चल रहा है देखते रहो, चलो। तो अभी गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हम, और इससे कुछ एनर्जी आएगी क्या पता नहीं, देखते भाई पहले ही शुरू हो गया। बस बस तो फाइनली गाइस आ गए यहाँ पर, अभी देख सकते हो साहब वाह कसम एक नंबर लग रहा है यार। रोहन कैसा लग रहा है भाई? पहले थक गए थे बहुत ज्यादा और ऐसा बेटे एक नंबर फील हो रहा है अभी। गिरगांव चौपाटी पे जा रहे हैं अभी हम, तो अभी नजदीकी हो तो अंकल अभी लेके जा रहे हैं एक मिनट। तो ये अंकल है हाँ, तो यहाँ पर हमने पाव भाजी मंगाई है और फ्राइड राइस है, देखिए टेस्ट एकदम बेकार है। पाव भाजी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, मतलब हम बस खा रहे हैं अभी, क्या ही बताओ आपको। राइस ठीक है पर पाव भाजी 19-20 है। तो खत्म हो गए सब कुछ देख सकते हो, ओके डन। तो फाइनली बीच पे आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी, पर मरीन की फीलिंग थोड़ी अलग किया, बहुत सही वाली फीलिंग थी, ये भी ठीक ठाक है अच्छा है। रोहन भाई अपनी बॉडी दिखाता हुआ, गाइस रोहन भाई की बॉडी देख लो, देखो 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 गंदा पानी यहाँ पर, बहुत ज्यादा गंदा पानी है देख सकते हो, नीचे आपको दिखाता हूँ देखो कितना गंदा है। ये फैशन स्ट्रीट है, यहाँ पर कब से शॉपिंग कर रहे हैं रोहन और मैं? रोहन क्या क्या लिया दिखा एक बार। मार्केट इंडी नहीं हो रहा गाइस, तेरा सामान किधर है? तो देख सकते हो गाइस कितनी शॉपिंग की हमने, क्या क्या लिया रोहन, क्या क्या लिया, 5,000 का तो खर्च कर दिया। तो ये फैशन स्ट्रीट है आखा, तो बहुत ज्यादा शॉपिंग की हमने। रोहन कितना खर्चा हुआ? 5,000 प्लस 5,000, मतलब दोनों का मिला के और हमारे एक दोस्त है उसका भी मिला के 500, मतलब 5,000 तक गया हमारा। अरे मार्केट खत्म ही नहीं हो रहा भाई, उनकी चार्जिंग कम है इसलिए हमने थोड़े क्लिप मतलब शूट किए, ज़्यादा क्लिप शूट नहीं किया हमने, एडजस्ट कर लेना। तो बाय बाय, जहाँ पर जाते हैं हम फैशन स्ट्रीट मार्केट के, वहाँ का जो रास्ता है आज़ाद मैदान के पास से, तो वहाँ पर हम अभी खड़े रोहन और मैं। रोहन आज़ाद मैदान पे आके कैसा लग रहा है? अगर अंदर एंट्री मिलते थे तो फिर आज यही पे सो जाते थे, हमें भी यशस्वी जेल भाषा बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो जयसवाल, सरफराज खान बहुत बड़े बड़े प्लेयर मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, खेलते भी यहाँ पर, ये ओपन कर दिया तो हम आज यही पे सो जाते थे। आपको रात भर ब्लॉग बनने के दिखाते थे। तो अभी जाने का टाइम हो गया हमारा, तो अभी जाते हैं सीधा स्टेशन पे,
और वहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइस आज का दूसरा दिन है, आज वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे रनर में, तो सीधा आए सो गए, तो आज मैं एंड कर रहा हूँ। मुंबई से मैंने ये वाली आउटफिट लाई है, देखो मतलब ये वाले कपड़े लाए, ये वाला शर्ट पैंट, ये वाला शूज़ है देख सकते हो, मतलब बूट्स। कैसे लगे कमेंट में मुझे बताना। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।